यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें। नमस्कार, लक्ष्यांश कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब सेक्शन पर मैं भवेंद्र कुमार देवांगन आपका फिर से स्वागत करता हूं और लीजिए मैं एक नया अपडेट और न्यूज़ लेकर आपके सामने हाजिर हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूं, तो पहला पॉइंट आपको बताऊंगा हेमचंद विश्वविद्यालय जिसका आज जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकल चुका है, साथ ही आपको बताएंगे PRSU का। और थर्ड जो है न्यूज़ आपको देंगे कि CBS सेंट्रल बेसिक साइंस के लिए भी एक न्यूज़ आप लोगों के लिए आया हुआ है। तो आज हम इन तीनों बातों पर चर्चा करने वाले हैं और आपको इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुँचाने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें हेमचंद विश्वविद्यालय दुर्ग विश्वविद्यालय जो है इसकी भी एक ही नाम है। तो देखिए यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर बोला जा रहा है कि मेरिट सूची जारी करने विषयक, तो आपका फर्स्ट मेरिट सूची जो है वो 13 अगस्त यानी कि आज जो है प्रथम मेरिट सूची जो है जारी कर दी गई है। कॉलेज के वेबसाइट पर आपको ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप या नोटिस के माध्यम से छात्रों को सूचित कर दिया जाने की बात इस पत्र में कही जा रही है। इसका अर्थ ये है कि आपका 13 अगस्त यानी कि आज जो है मेरिट लिस्ट जारी हो गई है। आपको ईमेल में भी कुछ मेल आया होगा, व्हाट्सएप पर आया हो सकता है या नोटिस बोर्ड, या कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं आप जिस कॉलेज में फिलअप किए थे एडमिशन लेने के लिए फर्स्ट ईयर में, तो आप जो है वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपका लिस्ट आ गया है और उसके बाद आप कॉलेज से कांटेक्ट करके जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेगा वैसा लेकर आप एडमिशन कर सकते हैं। साथ ही सभी लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा एक चीज़, यहाँ पर इस PDF में ये दिया हुआ है जो छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जो मार्गदर्शिका सिद्धांत जो है प्रवेश का, वो शैक्षणिक संस्थाओं के लिए 2021 और 2020-21 के लिए जो है आप लोगों को इस PDF में दिया गया है, प्रोवाइड करा देता हूं मैं आपको। इसको डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस जो PDF है इसको आप ज़रूर पढ़िए, ये जो दिया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में परेशानी ये आ रही है, दुविधा ये है कि सप्ली आए हुए हैं, एक्स रेगुलर, ये सब, तो ये इसमें डिटेल दिया हुआ है। आप प्रत्येक एक पॉइंट को पढ़ते जाइए, उस पर बताया है कि ये प्रवेश सूची के हिसाब से यहाँ पर से पढ़ेंगे तो आपको बताया है कि जो सप्ली आया है उसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, ये पूरा डिटेल इसमें दिया हुआ है। ये छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा 2020-21 जो है सेशन के लिए बनाया गया है। तो ये PDF पूरा आप पढ़ सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको इसका लिंक दे दिया हूँ, डाउनलोड PDF करके लिखा होगा उसको आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपको बताएं यहाँ पर CBS वालों के लिए, तो 12वीं की मार्कशीट जो है अपलोड कर सकते हैं 17 अगस्त तक। अब जो टाइम दे दिया है वो 17 अगस्त को, आज 13 है, मतलब कि 4 दिन का समय है आपके पास बीच में। ठीक है, इस 4 दिन में आप जो है 12वीं की मार्कशीट जो भी CBS का एग्ज़ाम भरते समय नहीं अपलोड किए हैं, मार्क्स नहीं डाले थे या मार्कशीट अपलोड नहीं किए हैं, तो वे जाकर जल्दी से जल्दी अपना मार्कशीट अपलोड कर दें। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि 31 जुलाई तक आवेदन कर दिया था आपने, ठीक है, 17 अगस्त तक 12वीं की मार्कशीट अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। निर्देश के बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर संशय बढ़ गया है, कहने का मतलब ये है अभी हम सोच रहे थे कि एग्ज़ाम नहीं होगा क्योंकि व्यापम ने सब जो है एग्ज़ाम कैंसिल करा दिया है, तो 12th बेसिस पर होगा इसको भी बोल रहे थे, लेकिन जैसे अगर 12वीं का मार्कशीट की बात कर रहा है तो इसका मतलब ये हो रहा है, संशय ये हो रहा है कि अब एग्ज़ाम हो सकता है CBS का। 2020-21 में प्रवेश के लिए 31 जुलाई तक आवेदन था, टोटल सीट कितना है 40, लेकिन कितना 1600 लोगों ने, स्टूडेंट्स ने आवेदन किया है। ठीक है, तो आप 40 का कितना गुना है दिख, कई के मार्कशीट नहीं है इसीलिए कहा गया है, आवेदन भरते समय बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसके मार्कशीट का और अंक अपलोड नहीं किए हैं, तो मार्कशीट को अपलोड करने के लिए पोर्टल फिर से खोल दिया है और आपको फिर से जाकर आपको अपडेट करना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद रविशंकर विश्वविद्यालय में अभाविप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रदर्शन आज 13 अगस्त को पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर जो है ढोल नगाड़े के साथ प्रदर्शन किया जाने वाला है। संयोजक विकास मित्तल ने बताया कि दोपहर 12:30 बजे अकादमिक भवन के सामने प्रदर्शन करेंगे। तो प्रवेश, इनकी मांग क्या है, प्रवेश तिथि को आगे बढ़ाना है, प्रवेश फॉर्म और परीक्षा फॉर्म भरने में परेशानी आदि है, इसके अलावा भी और भी हो सकता है, तो ये जो है न्यूज़ आपका आज जो है आया हुआ है। साथ ही अब दुर्ग यूनिवर्सिटी के लिए जो है एक और, सॉरी दुर्ग नहीं, बिलासपुर यूनिवर्सिटी के लिए, तो यहाँ पर देखिए सितंबर में लेने होंगे पूरे 690 पर्चे, 8 शिफ्ट में होगी परीक्षाएँ, तो एग्ज़ाम होने वाला है इनका, इनका तो टाइम टेबल भी आ गया है, तो 8 शिफ्ट में जो है आपकी परीक्षा होगी, कैसे कैसे होगी इसमें डिटेल दिया हुआ है, पेपर के बीच अधिक गैप नहीं होंगे।
ठीक है, यूनिवर्सिटी को एक माह के भीतर 690 पेपर चेक कराने हैं। इसके लिए एक दिन में 7 से 8 शिफ्ट में परीक्षा होगी। अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग कक्षाओं के विषयों के पेपर होंगे और पेपरों के बीच अधिक गैप नहीं होगी। ठीक है, चल रही है टाइम टेबल की तैयारी। टाइम टेबल दे दिया गया है, बस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का और किस टाइम पे है ये नहीं बताया गया है, लेकिन कब से कब होगी परीक्षा ये बता दिया गया है बिलासपुर यूनिवर्सिटी में। ऑनलाइन प्रश्न पत्र व ऑफलाइन उत्तर पुस्तिका जमा आपको यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है डायरेक्टली घर पे बैठे ईमेल के माध्यम से परीक्षार्थियों को क्वेश्चन पेपर भेजेंगे, घर बैठे परीक्षा लेंगे, और ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से फिर उत्तर पुस्तिका को स्कैन करके आपको भेजना है। नहीं तो परीक्षा के लिए निर्धारित 3 घंटे के बाद 2 घंटे के भीतर परीक्षार्थियों को कॉलेज जाकर उत्तर पुस्तिका जमा कराना होगा और उन्हें उत्तर पुस्तिका जमा करा दी है उसकी रसीद प्राप्त करनी होगी। पूरा क्लियर कर लीजिए इसमें क्या बोला जा रहा है। ईमेल से आपको क्वेश्चन पेपर आएगा, चाहे तो आप स्कैन करके अपलोड कर दें तो आपको उत्तर पुस्तिका जमा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप उसको व्हाट्सअप नहीं कर पा रहे, ईमेल नहीं कर पा रहे हैं स्कैन करके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉलेज जाकर उसको जमा करना पड़ेगा और रसीद भी लेना होगा। ठीक है, किन किन परीक्षाओं की होने वाली है, तो रेगुलर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को स्टूडेंट को जनरल प्रमोशन मिल गया है और पिछले अंकों के आधार पर उनका रिजल्ट बनेगा, उनकी परीक्षा नहीं होगी। लेकिन रेगुलर स्नातक फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर, स्नातकोत्तर में फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा होगी, और प्राइवेट के स्नातक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तीनों कक्षाओं की एवं स्नातकोत्तर कक्षा में प्रीवियस व फाइनल दोनों की परीक्षा होगी, प्राइवेट की सबकी होगी। ठीक है, और फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर की। ये था आपका टोटल जो बात है इसमें आपको बताना था, ये याद रखिए। सुबह 7 बजे 8 शिफ्ट में होगी परीक्षा, 7 बजे से परीक्षा शुरू होगी, 12 घंटे तक परीक्षा कार्य ऑनलाइन ऑफलाइन सिस्टम से चलता रहेगा। ये बोल रहा है 690 पेपर आपको कराया जाएगा, 8 शिफ्ट में होगी। सुबह 7 से 10 पहला पेपर होगा, फिर 8 से 11, फिर 9 से 12, फिर 10 से 1, 11 से 2, 12 से 3, 1 से 4, 2 से 5, मतलब सुबह 7 बजे से चालू होगा तो शाम के 5 बजे तक पूरा चलेगा, ये पूरा 8 शिफ्ट लगेगा। ठीक है, तो ये था आपके लिए जो है आज का न्यूज़ और आज के आप लोगों के बातें जो बतानी थी। दूसरा यहाँ पर देखिए, नई शिक्षा नीति पर राज्य स्तरीय मंथन 20 को, आप सभी को पता है कि नई शिक्षा नीति जो है आ चुकी है, लेकिन अभी जो है इस पर मंथन करना चाह रहे हैं छत्तीसगढ़, बता रहे हैं यहाँ पर न्यूज़ में कि प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में व्यापम के सभा कक्ष में होगी बैठक, शिक्षा विभाग के जो है सभी अधिकारी इसमें भाग लेंगे, विचार विमर्श किया जाएगा इसमें कि नई शिक्षा नीति को आहूत करने स्कूल शिक्षा विभाग ने SERT को पत्र लिखा है। 20 अगस्त को 11 बजे नवा रायपुर में इस सब का पूरा जो है सब लोगों का मिलकर जो है एक मंथन होगा, जिसमें इसका विचार किया जाएगा कि इस पर राज्य सरकार सहमत है या नहीं है, क्योंकि कई बिंदु ऐसे हैं जो इसमें राज्य सरकार सहमत नहीं है, तो नई नीति में प्रदेश में किस प्रकार और किस रूप में लागू करना है इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्यांश कोचिंग क्लासेस। अगर इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के माध्यम से भी आप हम इससे जुड़ना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक देख सकते हैं, वहां से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्यांश कोचिंग क्लासेस, दूसरों तक शेयर जरूर करें।